दादा, आपने सब कुछ शोहरत तो हासिल कर लिया, अब क्या राजनीति से आप हासिल करना चाहते हैं? क्या बचा है अब हासिल करना आपके लिए? पहला सवाल ही बस गड़बड़ कर दिया। आई हैव नॉट कम हियर, मैं यहाँ आया नहीं कोई राजनीतिक करियर बनाने के लिए। पहले ये साफ हो जाओ, तो मुझे कुछ हासिल करना ही नहीं राजनीतिक में, जो करियर बनाना ही नहीं है तो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता ये चीज़ें। आप पूछोगे क्यों आया फिर? और राजनीति आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, आप तो पहले भी बिल्कुल पारी खेल चुके हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आने की एक ही वजह है, तो वजह यह है कि हमारा ये बंगाल है ना, ऐसा नहीं था। कैसा था? सबसे शांतिपूर्ण, सबसे बैलेंसिंग एक्ट करने वाले। ये कब की बात आप कर रहे हैं? मैं जब बंगला छोड़ा था। कब छोड़े थे आप? मैं 70s में। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि एक अंदरूनी, एक साइलेंट, एक टेंशन, एक डर, एक अजीबोगरीब माहौल बन गया है जो हमारा बंगला नहीं था। दूसरी बात, ये बंगला हर वक्त एग्जाम्पल हुआ करता था हर स्टेट के लिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, IPS, IAS, जो नाम लो, कुछ भी नाम लो, पॉलिटिक हो, जो भी, व्हाटएवर, सब कुछ कैसे एक बैक गियर में ऐसा लग रहा है कि पीछे चले जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, आप तो मतलब फिल्मी डायलॉग की तरह बात कर रहे हो। नहीं, क्योंकि मैं जो सपना 18 साल में देखा था, अभी तक वो सपना मैं कंधे पे लेके घूम रहा हूँ। और मेरी एक ही चिंता है, चिंता नहीं बोलूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि एक बार वो सपना का, चाहे थोड़ा सा भी हो, अगर पूरा कर सकूँ तो बोल सकूँगा थैंक यू जिंदगी और चला जाऊँगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बंगाल को कैसा बनाना चाहते हैं? एकदम वही वैसा जो आज एक टाइम था जब हम लोग, मतलब बीजेपी ने कोई मॉडल पेश किया हो कि ये स्टेट एकदम मॉडल स्टेट है, आप उस तरह बंगाल को बनाना चाहते हैं? देखो, हर स्टेट के हर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, बिल्कुल, हर स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट रवैया है। तो मैं दूसरे स्टेट की बात नहीं करूँगा, मैं अपने बंगाल की बात कर रहा हूँ। बंगाल उस जगह में मैं देखता हूँ कि एक टाइम था जब नाइट शो देख के मेरी माँ, मेरी मौसी, मेरे बच्चे, घर पूरे फैमिली के पैदल आते थे हाथी बगान से घर तक। जिंदगी में कभी एक इतना सब इंसिडेंट नहीं हुआ। और आज 9 बजे से अगर बाद अगर कोई लड़की ऑफिस से बाहर आ रही और फ़ोन नहीं चल रहा या टावर नहीं है, तो माँ बाप दोनों दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन दादा, जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, तो उस वक्त तो आप CPM के साथ भी रहे। नहीं यार, ये जो एक चल रहा है ना, बहुत अजीबोगरीब। मैं किसी के साथ नहीं रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर इंसान के साथ रहा हूँ। अच्छा, मतलब किसी आइडियोलॉजी के साथ? बस अभी अभी देखो, आप प्रमोद दा के लिए भी तो मैं कैंपेन किया। तो अभी भी आप मतलब? नहीं, आगे पहले बोलो, किया ना? हाँ किया। आप जानते नहीं है मेरे बारे में, मैं छगन भुजबल के लिए कैंपेन किया तो वो मेयर बने थे, विलास राव दिसों के लिए किया, प्रमोद दा के लिए, मैं मनेका गांधी के लिए पीलीभीत गया था। तो मुझे जो लगता है कि ये इंसान के लिए कुछ करने वाला है, फिर मैं सोचता नहीं आप कौन सी पार्टी करते हो, क्या करते हो। अभी दादा, व्यक्ति के साथ हैं या विचारधारा के साथ हैं? मैं व्यक्ति के साथ पहले एंड विचारधारा, व्यक्ति और विचारधारा दोनों के साथ। दोनों के साथ हैं आप? मैं अगर चाहिए डायरेक्ट पूछ ना, बोल लेता हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मोदी साहब का। तो जो मोदी साहब के जो क्रिटिक हैं, वो जो उनके फ़ैन होते हैं, उनको मोदी भक्त कह के उनकी आलोचना करते हैं। बोलिए, आप भी खुद को मोदी भक्त कहते हैं? बोल दीजिए, क्या बहुत क्या सम्मान की बात है। ही इज़ द लीडर ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। मैं थोड़ी उनके सामने कूदे, एक छोटा सा इंसान। लेकिन लिटरेचर की एक परंपरा थी, ट्रेडिशन थी, जिसमें एक भक्ति काल था, जिसमें होता था कि सब कोई आराधना में लगा रहता था, बस पूजा करते जाओ, भक्ति कर, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछता था। क्या आप उस भक्ति की बात कर रहे हैं? आप सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? किससे? अगर कहीं गलत होगा, अगर आपको लगता है कि जिसका आपने समर्थन किया और जिन महत्वाकांक्षाओं के साथ आपने समर्थन किया, मैं, वो पूरी नहीं हुई, अगर मेरे को, अगर मेरे को आप जानते हैं और पढ़ चुके हैं, मुझे मालूम है मैं सवाल कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो सवाल को साथ लेके मैं आ रहा हूँ, मैं उन्हीं का ही संदेश लोगों को मैं बांट रहा हूँ, सुना रहा हूँ। सब वही संदेश जो उन्होंने मुझे दिया है कि ये लोगों तक पहुँचा दो, मैं वही काम कर रहा हूँ। तो पहुंचाने के बाद आपसे फिर पूछेंगे कि दादा, आपने कहा था कि ये चीजें पूरी करेंगे, लेकिन मैं चीजें पूरी नहीं हुई, खुद खड़ा होके करूंगा। क्यों, पहले से नेगेटिव क्यों बात कर? नेगेटिव नहीं, मतलब आप फिर भी खड़ा होंगे ना, फिर जाएंगे ना? नहीं, तो बोल रहा हूँ ना, मैं खुद खड़े होके वो काम करना चाहता हूँ, इसीलिए तो इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ। सबने तो बोला लड़ो, मेरा कोई पॉलिटिकल करियर बनाने नहीं आया।
I'm not here to make a political career. दादा आपकी मुलाकात फरवरी में मोहन भागवत से हुई, जो आरएसएस प्रमुख हैं। आपने उस मुलाकात के बाद कहा कि ये स्पिरिचुअल रिलेशन है और लंबे समय से है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। अभी भी बोल रहा हूँ। लेकिन आपने तो पॉलिटिकल बना दिया। आपको कैसे मालूम उन्होंने बनाया? नहीं, आप पॉलिटिकल तो हो ही गए ना। कैसे ये तो बोल रहा हूँ। आरएसएस मातृ संगठन है, बीजेपी उसका। सर देखिए, मैं अभी भी टीवी के सामने बोल रहा हूँ, उनके हर देश के हित में काम करने के साथ मैं हूँ। आरएसएस के? हाँ, कौन जानते हैं आरएसएस को? कितना जानते हैं आप उनके बारे में? मैं एक उदाहरण दे, उनका सैक्रिफाइस देखिए आप पहले। क्या? देश के लिए एक 25 जो मुख्य प्रचारक हैं, उनके फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो तो उनका चॉइस है ना कि नहीं, चॉइस दे हैव गिवन देयर लाइफ। को कितने आदमी देश के लिए लाइफ? आप देख रहे हैं कि जिनकी फैमिली है वो सैक्रिफाइस नहीं करते हैं। सर उतना तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो आते हैं सब खाली देश के लिए काम करने के लिए। महात्मा गांधी की तो फैमिली थी दादा, तो फैमिली तो सैक्रिफाइस किया ना, वो क्या किसी कम उन्होंने तो उन्होंने अल्टीमेटली सैक्रिफाइस किया ना, लेकिन फैमिली के साथ किया। मतलब ये कोई शर्त नहीं हो सकती कि आपके पास फैमिली है तो आप सैक्रिफाइस नहीं कर पाएंगे। सर मेरे कहने का मतलब शर्त नहीं होती, लेकिन है तो है, सैक्रिफाइस इज अ सैक्रिफाइस। आपको लगता है वो ज्यादा करते हैं? तो ये कोई बात थोड़ी हुई कि आपने नहीं आए तो सैक्रिफाइस इज अ सैक्रिफाइस। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आरएसएस प्रमुख का एक अभी एक स्टेटमेंट आया था कि जो हिंदू है वो भारत द्रोही नहीं हो सकता। आप इससे सहमत हैं? एकदम। मतलब मुसलमान हो सकता है? नहीं, मैंने तो बोला नहीं, हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं हो सकता, हर मुसलमान क्या वो दंगे वाला नहीं होता है, बहुत सारे मैक्सिमम मुसलमान शांति प्रिय है। लेकिन जो टेररिस्ट है वो मुसलमान है, आप ये कह रहे हैं? कहाँ बोला, ये तो बोल रहा हूँ। नहीं, आडवाणी का एक स्टेटमेंट था। नहीं आप, मैं उतना मैं उड़ता हुआ एक कौवा हूँ, मुझे पार्टी के बारे में मुझे कहने का हक नहीं है, जो पूछना है हमारे मुखपात्र से क्या पूछ। नहीं तो मैं उसी स्टेटमेंट पे आता हूँ, जैसे कि उन्होंने कहा कि हिंदू कभी भारत द्रोही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को वो देशभक्त कह रहे हैं उसमें कुछ लोगों को उन्होंने छोड़ दिया, मुसलमान को छोड़ दिया, ईसाई को छोड़ दिया। कहाँ छोड़ा? क्योंकि उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। देखिए इसका मतलब है कि नहीं है। आपने अगर पूछेंगे कि मेरा भाई देशद्रोही है क्या, तो मैं भाई की बात करूंगा ना। लेकिन आप कहेंगे कि तुम बहुत ईमानदार हो और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मुझे तो इसका मतलब आप बेईमानदार हो। लेकिन मुझे शक हुआ कि मुझे छोड़ रहे हैं आप क्यों? यही तो प्रॉब्लम है, सब मीडिया है। नहीं लगेगा भेदभाव? आज देश में नहीं, पूरी दुनिया में जितना प्रॉब्लम है ना, ये आप ही की वजह से है। मीडिया इज कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ थिंग। इसीलिए प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। बहुत अच्छा करते हैं। आप सहमत हैं? एकदम। ये क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम ऑफ स्पीच? लेकिन लोकतंत्र में तो सवाल पूछे। सर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब कंठ रोध नहीं कीजिए, सच्चाई के कंठ रोध कीजिए। लेकिन आप हर वक्त कोई कितने न्यूज चैनल है बताइए, 100 में 10 हो गए न्यूज चैनल, बाकी 10 सब सीरियल चैनल है। घन 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 कौन है? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इधर नहीं पूरी दुनिया में सारे प्रॉब्लम के पीछे सिर्फ मीडिया है, इतना बोल्डली बोल रहा हूँ। और जिसके हाथ में सत्ता है उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं। सत्ता अगर तो सत्ते में लोग लाए हैं, आप नहीं लाए? नहीं, जनता लेके आए हैं। लोग में तो सब कुछ शामिल है। आप हैं क्या? है, हम भी शामिल हैं। अब हैं, अब सरकार है तो मेरी भी है, आपकी आपकी भी है, लेकिन आपने सत्ता बनाने के लिए ऐसी बात नहीं करेंगे आप, अगर सत्ता चाहिए तो। नहीं तो सत्ता में केवल पक्ष वाला ही नहीं होता, विपक्ष भी होता है, उसकी भी भूमिका होती है। यही होता है, विपक्ष कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होनी चाहिए। There should be constructive opposition. आपको लगता है constructive नहीं है? Let's not talk about it. Okay. एक और सवाल दादा कि आप शारदा के ब्रांड एम्बेसडर थे। अभी यही फिर वही बात करेंगे, मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं था। नहीं थे आप? नहीं, अब मैंने एक शो किया था जैसे आपने शो किया है, ये जो आप पूछ रहे हैं ना, ऐसा एक पॉलिटिकल शो किया था, दैट्स इट। तो फिर आप पे ईडी ने क्यों पूछताछ आपसे? भाई अगर पैसे का सोर्स तो जानना है। अच्छा। That is the agencies have the right to know. पैसा तो सब चेक में था, चेक मिल गया, सब हो गया, तो दे मस्ट नो द सोर्स, दिस इज माय सोर्स। जब मालूम पड़ा सोर्स गलत है, आई रिटर्न द मनी। अब आप प्रधानमंत्री के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं नहीं हूँ, अभी भी नहीं है। कैसे यार, कैसे बात? प्रधानमंत्री की बात आप कह रहे हैं, उनकी नीतियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो हुआ? मैं उन्होंने जो कहा मैं वो संदेश को सबको पहुंचा रहा हूँ। ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? ब्रांडिंग करना तो यही होता है ना कि आप उनकी नीतियों का समर्थन करें। मैं बोला ना, सारे प्रॉब्लम के पीछे ही आप लोग हो और कोई नहीं। ये तो बहुत आसान है कि हम लोग आप जिम्मेदार ठहरा देंगे। हाँ, जिम्मेदार नहीं मैं एकदम, ये 40 साल मैंने झगड़ी मारा फिल्म इंडस्ट्री में, इसीलिए मैं दूर रहता हूँ। आपको मीडिया ने इतना प्यार किया? कुछ झूठ नहीं बोला, नहीं लोगों ने दिया है, मीडिया ने नहीं, हर वक्त मीडिया ने मुझे कंडेम किया है। ये मेरा हुनर है, मेरा टैलेंट है, मैं कभी किसी के पास जाके नहीं बोला मेरा इंटरव्यू लीजिए। तो मीडिया ने आप देखिए खाली क्या क्या लिखा है मेरे बारे में। जब आप अभिनेता थे तब आपको डायरेक्टर किरदार के लिए डायरेक्ट करता था कि कैसा किरदार गढ़ना है, मतलब
अब आप बोल रहे हैं कि आप राजनीति में नहीं आए हैं लेकिन कैंपेन में शामिल हैं, तो एक किरदार के रूप में ही आप जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि उनका मैं संदेश पहुंचा रहा हूं, तो वहां भी तो आपको प्रधानमंत्री डायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं कर रहे, हमको बताया गया दिस इज आवर आउटलाइन, यू पहुंचा दो जो जो बातें, आप भी जानते हो, आप पढ़ते नहीं, पढ़ो क्या लिखा है, मैं वही बोलता हूँ कोई एक बात। लेकिन ये उनको, पब्लिक को ये मैं बता रहा हूँ कि ये होगा, होगा, मैं उसकी जिम्मेदार खड़ा हूँ, मैं होगा, और लोग मुझे यकीन करते हैं। बंगाल के लोगों के साथ मेरा हीरो और फैन का रिश्ता नहीं है, बहुत गलत फहमी में होंगे, हृदय का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है उनके साथ, और उनको मैं प्यार करता हूँ, वो भी मुझे आपके प्रशंसक कहाँ नहीं है, मतलब वो बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह प्रशंसक। थैंक यू। लेकिन तब भी आप नाराज रहते हैं कि मीडिया ने आपको, अरे अभी भी बोल रहा हूँ, 10 बार बोलूं, नहीं 10 बार नहीं बोलूं, तो आप जाइए, आप तो अभी छोटे थे भाई, शायद तुम पैदा भी नहीं हुए थे। अरे आप तो, अगर आप मेरे बारे में सब राइट अप पढ़ते ना, तो आप मेरे पास आते नहीं। नहीं दादा, लोगों ने मुझे तो ये भी कहा है कि इसका नौकर दिखता है, मैं तो लिखने से राय बनाता ही नहीं किसी के बारे में। किसी सुना क्या मैंने कहा? नहीं बताया आप, सुना आपने? बिल्कुल सुना। उन्होंने लिखा था कि मिथुन चक्रवर्ती का लू एक घर का नौकर जैसा है। ये बोलिए, ये लगता नहीं इस पे? तो दादा आपको ध्यान भी नहीं देना चाहिए ऐसी टिप्पणी। अभी बोलते ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं, उनकी क्या? अभी वो बोलना, मैं जो बोला कि मैं अपने लिए नहीं कहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, क्यों, मैं भी तो देखता हूँ ना क्या हो रहा है, न्यूज देखता हूँ खाली। अभी आप आ गए तो मुझे पूछ रहे हो, तो ठीक है, चलिए आपको शिकायत है आपकी, मतलब आपका ये हक है। शिकायत नहीं, मैं बोला 10 चैनल है जो न्यूज देते हैं, बाकी सब देखो आपकी भी, जैसे कौन कौन चैनल का नाम मैं क्यों बोलूंगा, दिस इज नॉट माय वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो आपकी पसंद तो पता चले। नहीं, मेरा कोई पसंद ही नहीं है, मैं क्यों थोड़ी चैनल को बोलूंगा कि आप मेरा लिए, मैं कभी किसी के पास गया ही नहीं। देखिए मां, मेरी बात सुनना है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात जी, कि 10 न्यूज चैनल है कि न्यूज देते, उस पर बहस होती है, बहस का एक अंजाम होता है। एक तो नाम बता दीजिए आपकी जो आपको अच्छा लगता, हम लोग भी देखना शुरू करें उसको। आप देखो ना कितने, अगर आप इतने जर्नलिस्ट का काम करते हो आपको नहीं पता चलता? नहीं, मुझे तो नहीं ठीक लगता है। आप मुझे एक्टिंग के बारे में मैं बता पाऊंगा, जर्नलिज्म के बारे में क्या बोलूंगा मैं? आपकी एक्टिंग को तो जनता ने इतना ज्यादा तवज्जो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ दोस्त कि क्यों कह रहा हूँ कि आपकी भी मजबूरी है, मैं समझता हूँ। कोई मजबूरी नहीं है सर, इसका अगर TRP नहीं बढ़ा तुम काम पे नहीं रहोगे। BBC को TRP से मतलब नहीं, वो बात सही है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी लोगों को जवाब देना पड़ता है, तो कहानी पे कहानी बनाओ। बिल्कुल नहीं, आपको नहीं पड़ता है, मैं मानता हूँ BBC को नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन वो भी मजबूर है। पेस्ट्री जर्नलिज्म से मुझे पता है और येलो जर्नलिज्म क्या होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बस मैं ये कह रहा था कि डेमोक्रेसी में एक जो सरकार होती है उसकी जवाबदेही होती है कि वो सवालों का जवाब दे। आप पेस्ट्री जर्नलिज्म को इग्नोर करना है कर दीजिए, येलो जर्नलिज्म को इग्नोर करना है कर दीजिए, लेकिन जो आपसे जेन्युइन सवाल पूछ रहा है उसको आप मौका तो दें। जेन्युइन सवाल, डेमोक्रेसी डजंट मीन गो एंड किल योर प्राइम मिनिस्टर, डेमोक्रेसी डजंट मीन यू गो एंड किल एनीबॉडी, डेमोक्रेसी इवन हैज इज लॉस। कैसे आप बोल रहे हैं? अब डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं, जो कुछ सब आजाद हो, कुछ भी करो, कुछ भी बोलो। नहीं ऐसा नहीं, जैसे नहीं, आप सॉरी सर, आई कैन नॉट टेक। आप अगर किसी के बारे में गलत बात करो, जिस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, दिस इज नॉट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, आप उनको, जाहिर सी बात है आप यहाँ के, उनको पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, वो जो नेशनलिज्म की बात करते थे, कहते थे कि मेरा राष्ट्रवाद मानवता पर कभी हावी नहीं होगा, राष्ट्रवाद मेरा ऐसा है जहां मानवता सबसे ऊपर है और जो राष्ट्रवाद है वो नीचे है। लेकिन आप जिस पार्टी के साथ अभी गए हैं, उस पार्टी का स्लोगन ही है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, मतलब उस विचारधारा में कहीं मानवता नहीं दिखती है। तो अच्छा, अगर आप एक, नहीं मैं गुरुदेव से तुलना करते हुए, नहीं नहीं, नहीं आप तुलना, मेरी हिम्मत नहीं गुरुदेव के बारे में चर्चा करने की, मैं बहुत नगण्य आदमी हूँ, प्लीज मैं वो हिम्मत नहीं रखता। मैं यही बोलता हूँ हर नीति में कि पहले राज्य, राज्य बाद राज्य के लोग, उसके बाद पार्टी, उसके बाद आप। तो यहाँ के लोग तो उल्टे हो गए, 44 से आप विरोधिता कर रहे हैं। क्या कर तो राज विरोधिता, अपोजिशन 44 ईयर्स, अब विरोध पक्ष में खड़े हुए हैं, स्टेट का क्या होगा? हाउ कैन द स्टेट ग्रो 44 ईयर्स? सर आप डेटा निकाल कर देख लें, पश्चिम बंगाल को आप घेर रहे हैं कि कई मामलों में वो पीछे है बाकी के जो स्टेट है जहां पे बीजेपी की सरकार। मैं आप इसकी बात करिए खाली, बंगाल की बात, मैं बंगाल की बात, हाँ तो स्टेट की बात क्यों दूसरे स्टेट की बात कर रहे हैं? नहीं तुलना तो आदमी करता है, तुलना मत कीजिए, बंगाल। एक सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि ममता बनर्जी यहाँ 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, 10 साल में कोई ऐसा काम जो आपको ठीक लगा हो?
हाँ किया है, नहीं तो इसीलिए 211 सीट कैसे लेके आई, कुछ तो अच्छा काम किया ना, जो आप भी महसूस करते हो जैसे। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसका मतलब जो किया उसके अच्छा और नहीं होना चाहिए। नहीं, आपके पास एक घर है, दूसरा घर नहीं होना चाहिए। आपके एक मंजिल का घर है, दूसरे मंजिल नहीं बनना चाहिए। ये व्यक्तिगत सवाल नहीं है, अगर जाहिर सी बात है यहाँ की आबादी अगर बहुत ज्यादा है तो सबको सुविधा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक है क्या? ये तो होना ही चाहिए। मैं एक सवाल पे आता हूँ जिसे हर कोई जानना चाहता है कि आप तो मतलब जब फिल्में करते थे तो आम आदमी की आवाज बनकर एक किरदार के रूप में सामने आते थे, उसके संघर्ष को दिखाते थे, उसकी एक जिजीविषा होती थी उसको दिखाते थे। किसान इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उसमें किसान गलत है या बीजेपी की सरकार गलत है? ये सब मैं इतना पढ़ा नहीं तो मैं एकदम डायरेक्टली बात नहीं कर रहा, इसे भी किसी ने सवाल किया था, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि हमारी सरकार आएगी, पहली जो बकाया 6,000 रुपये हर किसान को देने की बात थी वो दिया नहीं गया, वो 18,000 रुपये हम पहले किसानों को देंगे जो भाग चासी है। जी 18,000 में क्या होगा? मतलब कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना तो चाहिए। अगर 18,000 आपको नहीं चाहिए तो मुझे दे दीजिए। मुझे नहीं, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। नहीं जो अगर है वो तो भी ले, जो 40 भागी है उनको 4,000 रुपया देंगे, बट उसके लिए इतना पढ़ा नहीं मैं, बोल नहीं पाऊंगा। कुछ सस्टेनेबल व्यवस्था होनी चाहिए थी जो कि सरकार को 2,000 या 3,000 रुपए देने न पड़े, वो अपनी फसल को लेकर जाते बाजार में बेचते, उनको अच्छी कीमत मिल जाती, लागत निकल जाती और फिर वो एक सिस्टम ठीक से काम करता। 5,000 रुपया इस वक्त 5,000 करोड़ रुपया सिर्फ इसके लिए रखा गया है। अगर आलू बनने में 28 से 32,000 रुपया खर्चा है और आज 24,000 में बिक रहा है तो ये डिफरेंस को मैच घटाने के लिए 5,000 करोड़ रुपया रखा गया कि इसको, लेकिन सबको नहीं मिल पा रहा है ना। तो जाइए ना दूसरे सरकार को पूछिए, अभी तक बीजेपी की सरकार आई नहीं।